أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مداده القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه غوث الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبسط بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي المذنبين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم الكتاب الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صلى الله عليه وسلم वक्त काफी हो चुका है और वो अय्याम नहीं है कि जो रोजमर्रा के अय्याम होते हैं, ये माहे मुबारक रमजान जो और दिनों से अलग हैसियत और फजीलत का हामिल है। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुकत्तआत में से है कि जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ खुदावंद आलम की ज़ात से मखसूस है। ज़ालिकल किताब ये वो किताब है ला रैब फीह कि जिसमें शक और शुबहे की गुंजाइश है। अज़ीज़ाने ग्रामी खुदावंद आलम ने कुरान मजीद को बतौर मोजिज़ा पैगंबर के ऊपर नाज़िल किया। मोजिज़ा किसे कहते हैं? मोजिज़ा हुज्जत हुआ करता है उस नबी के लिए जो दावा नबुवत करता है। कोई भी नबी आया, मोजिज़ा उस जमाने के तकाज़े के हिसाब से आया। जनाब सुलेमान नबी के जमाने में जो तकाज़े हालात थे उस एतबार से जनाब सुलेमान नबी को मोजिज़ा अता किया गया। ऐसे ही जनाब मूसा के दौर में सहर और जादूगरी का दौर दौरा था तो खुदावंद आलम ने ऐसा आसा अदा कर दिया कि जो उन सहर जादूगरी के ऊपर गालिब आ जाए। ऐसे ही जनाब ईसा के दौर में तबाबत का दौर दौरा था और लोग कहते थे कि हम मरीज को मरने नहीं देंगे। खुदावंद आलम ने ऐसा मोजिज़ा दस्त ईसा के हवाले किया है तो जनाब ईसा कहने लगे मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे। तो मोजिज़ा क्या है? उस दौर में जो राज चीज़ है, जो चीज है उस पर गालिब आ जाने वाला है। जनाब ईसा मुर्दे को जिंदा कर देते। ऐसे ही हजरत पैगंबर ख़त्मी मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जमाने में दो चीजें राज थी। एक है लोगों की जबान, उनकी फसाहत बलागत और दूसरे उनकी तलवार। गौर करिएगा, एक की उनकी जबान और दूसरे की उनकी
तलवार। उनकी फसाहत बलागत का यह आलम था कि लोग अपने फुर्सत के अय्याम में अशआर कहा करते थे। किसान जब खेत में मजदूरी कर रहा होता था, खेती कर रहा होता था, तो फिल बदी अशआर कहा करता था। जब माए लोरियां कहती थी तो रोज वही लोरी नहीं सुनाती थी, बल्कि बच्चों को फिल बदी अशआर तालीम फरमाया करती थी। तो वो थी फसाहत बलागत। वो अपने को कहते थे अरब और दूसरों को कहते थे अजम। कहते थे हम हैं सिर्फ बोलने वाले, बाकी सब गूंगे। अपनी जबान पर इतना नाज था। तो खुदावंद आलम उस दौर में राजशाह क्या है, उनकी फसाहत बलागत। जबान के लिए खुदावंद आलम ने जो मोजिजा भेजा है वो है कुरान। तलवार का यह आलम था कि जब खाली औकात बैठते थे तो तलवार को सैकल किया करते थे, 40-40 साल तक जंगें किया करते थे। अपनी तलवार पर भी बड़ा नाज था। तो जबान के लिए मोजिजा आता हुआ कुरान, तलवार के लिए जो मोजिजा आया वो ज़ुल्फ़िकार। ना दुनिया कुरान का जवाब ला सकी, ना ज़ुल्फ़िकार का जवाब ला सकी। एक सलवात पढ़ाया था मोहम्मद वाल मोहम्मद। हर शय के लिए एक मुनासिब ज़र्फ हुआ करता है। हर शय के लिए एक मुनासिब ज़र्फ है। कुरान कहां रखा जाएगा, रहम पर रखा जाएगा। आपने इस मचनब के ऊपर इस बच्चे को रखा हुआ है, मिंबर खदीम के लिए बनाया हुआ है। अब कुरान के नुज़ूल के लिए खुदावंद आलम ने जिस ज़र्फ का इंतखाब किया है वह है कल्बे पैगंबर। और ज़ुल्फ़िकार के लिए जिस ज़र्फ का इंतखाब किया है वो दस्ते है ना। इसके लिए भी निदाए आसमानी है, इसके लिए भी निदाए आसमानी, इसके सिलसिले में भी इलाही कलिमात है, इसके सिलसिले में भी इलाही कलिमात है, इसके सिलसिले में ला रौदाफी है, इसके सिलसिले में ला फता इलाही। तो दीदाने ग्रामीण कुरान कल्बे पैगंबर पर मोजिजा बनकर उतरा। ये है मोजिजा। और इसकी खसूसियत यह हुआ करती है कि वह हमेशा गालिब है। इसीलिए पैगंबर ने ऐलान कर दिया, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरत मिन मिस्ले। कुरान कह रहा कि अगर तुमको इस बात का शक है कि यह कलाम इलाही नहीं है तो इसके एक सूरे का जवाब ले आओ। और सूरह कौसर को खाने काबा पर आवेजा कर दिया। सूरह कौसर को खाने काबा पर आवेजा कर दिया। लोग अपने अपने अशआर उतार ले गए, सूरह कौसर वहां पर आवेजा रहा। तवज्जो करिएगा, खाने काबा में दस्तूर हुआ करता था कि हर साल चुनिंदा अशआर जिसके हुआ करता थे वो खाने काबा पर आवेजा रहते थे। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम ने सूरह कौसर को आवेजा किया है लटकाया है तो सब लोग आए और फसाहत बलागत सूरह कौसर को देखा तो अपने अपने अशआर उतार ले गए और यह पैगाम दे दिया कि जब दुनिया सूरह कौसर का जवाब ना ले सकी तो साकिन कौसर का जवाब दे ले। एक सलावत पढ़ाएं मोहम्मद वाल मोहम्मद ना ला सकी और आज तक नहीं ला सकी। कौसर का तो जवाब नहीं। यह है कुरान। और माह मुबारक रमजान में जाहिर सी बात है कुरान के पढ़ने का बड़ा सवाब। अपने मौजू से मुर्तबित हो रहा हूं क्योंकि ये मजलिस माह मुबारक रमजान में, लिहाजा कुरान के सिलसिले में चंद बातें आपके सामने पेश करना जरूरी समझता हूँ। कुरान वो किताब है कि खुदा उनके आलम ने हिदायत बशरियत के लिए नाजिल किया कि लोग इसको पढ़ते चले जाए और सीधे रास्ते की तरफ आगे चले जाएं। अजीज आने ग्रामीण कुरान वो किताब है कि लगता है कि हाँ कोई कह रहा है। दूसरी किताबें हैं इंसान पढ़ता है और सोचता है कि किसी ने लिखा है कि जो लिख कर चला गया, लेकिन कुरान पढ़ते वक्त यह महसूस होता है कोई है जो कह रहा है। यह है कुरान। कुरान वो किताब है
कि जो हर दर्जे के तालिबे इल्म के लिए जरूरी है। जैसे जैसे इंसान का सतह इल्मी बुलंद होता चला जाता है, किताबों में फर्क होना भी, इख्तलाफ होना भी शुरू हो जाता है। पहले दर्जे का जो तालिब इल्म है वो दूसरे दर्जे के तालिब इल्म की किताब नहीं पढ़ेगा। ऐसे जैसे जैसे उसकी सतह इल्मी में इजाफा होगा, वो दसवें दर्जे का तालिब इल्म है कि जो पहले दर्जे के तालिब इल्म की किताब नहीं पढ़ेगा, नवें दर्जे का तालिब इल्म है वो आठवें दर्जे के तालिब इल्म की किताब नहीं पढ़ेगा। क्यों? सतह इल्मी में इजाफा हो गया है। लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है कि जहां पे सतह इल्मी नहीं देखी जाती, इसलिए मकतब के हाथ में भी नजर आती है, मर्जाए दौरा के हाथ में भी नजर आती है। सलावत और रहमत लगवाल मोहम्मद। ये है कुरान। और अजीजान ग्रामी जनाब अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि जब भी मुझे ये जरूरत महसूस होती थी कि मैं खुदा से गुफ्तगू करूं तो मैं दुआ करता था, और जब मुझे ये जरूरत होती तो मेरा दिल ये चाहता था खुदा मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान की तिलावत किया करता था। यह है कुरान। कुरान मोजिज़ा बनकर कल्ब पैगंबर पर आया है। ये हिदायत बशरियत के लिए है, ये ताकों में सजाने के लिए नहीं है। अजीजान ग्रामीण, माह मुबारक रमजान, इसके सिलसिले में फजीलत यह है कि इंसान अगर कुरान नहीं पढ़ सकता तो कम से कम कुरान की तरफ देखे। नज़रो इला मुसहफिल इबादत, कुरान की तरफ देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, कुरान की तरफ देखना इबादत है। इंसान चाहे ताक से कुरान को निकाले, उसको देखे और कम से कम ये एतराज करे जो कुछ लिखा है वो खुदा ने सच कहा है, जो कुछ इसके अंदर है वो सच है। कुरान क्या है? कुरान का देखना भी सवाब है, कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है, और कुरान की बातों का दिल में एतराज पैदा करना भी इबादत है। सब इबादत है। कुरान का देखना इबादत, कुरान का सुनना इबादत, कुरान की तरफ नजर करना इबादत, कुरान की बातों का एतकाद रखना भी इबादत। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ अली, आप कुरान के साथ हैं और कुरान आपके साथ है। अली उमाल कुरान वल कुरान उमाल अली। अली की मिसाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे नातिके कुरान की, यानी कुरान है खामोश, अली है बोलती हुई किताब। जिस तरह से कुरान की तरफ नजर करना इबादत, वैसे ही अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत। जिस तरह से कुरान सुनना इबादत, वैसे ही जिक्र अली भी सुनना इबादत। जिस तरह से कुरान पढ़ना इबादत, वैसे ही जिक्र अली करना भी इबादत। जिस तरह से कुरान की तमाम तर अशिया को अपने दिल में एतकाद रखना इबादत है, वैसे अली की मोहब्बत का दिल में रखना इबादत है। बस फर्क ये है कि कुरान अहकाम इलाहिया की लफ्जी तस्वीर का नाम है, अली अहकाम इलाहिया की अमली तस्वीर का नाम है। सलावत पर मोहम्मद व आल मोहम्मद। देखना इबादत है। और भी बहुत सी अशिया है कि जिनकी तरफ देखना इबादत है। एक हदीस और आपके सामने पेश कर दूं। या अली मसलों का मुफ़ल्लिल काबा, ऐ अली आपकी मिसाल काबे की है। या अली आपकी मिसाल काबे की है। क्या मतलब? जिस तरह से मरकज़े तौहीद खाने काबा है, वैसे ही मरकज़े ईमान अमीरुल मोमिनीन की जात है। जिस तरह से खाने काबा से रुख फेर के इबादत कबूल नहीं है, वैसे अली से रुख फेर के इबादत कबूल नहीं है। यह हदीस हो गई। अब दूसरी हदीस आपके सामने काबे से मिलती जुलती पेश हो कि अन्नदर इलल काबते इबादत, कि काबे की तरफ देखना भी इबादत है।
तो क्या हुआ, मुसहफ की तरफ कुरान की तरफ देखना इबादत, काबे की तरफ देखना भी इबादत। तीसरी हदीस आपके सामने पेश करूं, अल नज़र वलद इला वालिदैह इबादत, एक बेटे का उसके बाप के चेहरे की तरफ नजर करना भी इबादत। बेटे का बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत। इससे मिलते जुलते एक और हदीस आपके सामने पेश करूं कि जहां पर चार सूरतें बयान की गई हैं कि जहां पर खुदावंद आलम आसमान के दरवाजे खोल देता है, उनमें से एक सूरत आपके सामने पेश करूंगा कि जब एक बेटा बाप के चेहरे की तरफ नजर करता है तो खुदावंद आलम आसमान के दरवाजे खोल देता है, जो भी दुआ की जाएगी वो कबूल हो गई। लेकिन ये जो नजर होगी ये मोहब्बत की निगाह होगी, भूल के देखना इबादत नहीं है, गुस्से से देखना इबादत, मोहब्बत की निगाह से देखना, ताजीम की निगाह से देखना इबादत। तो जाने ग्रामे नजर इलल काबा के इबादत, नजर वलद इला वालिदैह इबादत, ये हो गए। आखिरी चीज अन नजर इलल आलिम इबादत, आलिम के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। अब मैं तो एक तालिब इल्म हूं लेकिन वाकई आलिम के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है कि जिसको देखकर खुदा याद आ जाता है, जिसको देखकर खुदा याद आ जाता है। ऐसे ऐसे उलमा आज भी हमारे दरमियान मौजूद है जिनके चेहरे की तरफ आज भी आम इंसान नजर करता है तो बेसाख्ता उसके आंसू आंखों से आना श्रवा हो जाते हैं, आंसू बरामद हो जाते हैं। अजीजान ग्रामी, तो आलिम का तस्वीर आपके सामने पेश करूं कि जब शेख बहाई ईरान के बहुत बड़े आलिम आर्किटेक्ट, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, उन्होंने एक हम्माम तामीर किया था कहां, इस्फहान में। उस हम्माम की खसूसियत यह थी कि एक चराग से पूरे हम्माम का पानी गर्म रहता था, वो इस लेवल के, इस दर्जे के आर्किटेक्ट। उन्होंने इमाम रजा अलैहि सलाम के रोजे के भी नक्शा साजी की, नक्शा बनाया। वो सफर करते हैं शाह अब्बास सफवी के साथ, उस दौर के बादशाह के साथ, कहां, नजफ अशरफ, किसको लेने के लिए आए, मुकद्दस अर्दबीली। अब दोनों की जाहिर सी बात है कि अब इस वक्त मौका नहीं है कि दोनों की बकायदा आपके सामने की शख्सियत को पैदा किया जाए, आपके सामने पेश किया जाए, लेकिन मुकद्दस अर्दबेली के लिए जुमला कर दूं कि मुकद्दस अर्दबेली ने इमाम जमाना अज्जलल्लाह ताला फरजहू शरीफ से आराम रखा। शरफ ज़ियारत हासिल है किसको, मुकद्दस अर्दबेली। ये शेख भाई सफर करते हैं और कहते हैं कि मुकद्दस अर्दबेली साहब इस्फहान तशरीफ लाइए, मैं भी दीन इस्लाम की तबलीग में तरवीज में मशगूल हूं, मुझे जरूरत है आप जैसे आलिम। वो तैयार हुए और आलिम किसे कहते हैं, हकीकी आलिम कौन होता है, तवज्जो दीजिएगा। दोनों सफर करते हैं। अब शाह अब्बास सफवी उस जमाने का बादशाह, वो सोचता है कि पहले इनको चेक तो कर लिया जाए कि किस दर्जे के आलिम है। वो आया और देखा कि शेख बहाई है कि जिनका घोड़ा तेज तेज सफर कर रहा है, कुछ आगे है। मुकद्दस अर्दबेली जिस सवारी पर सवार थे वो धीरे चल रही थी, धीरे। तो शेख वहां आगे आगे सफर कर रहे थे और मुकद्दस अर्दबेली पीछे पीछे आ रहे थे। अब ये आया शेख भाई के पास और आगे कहता है कि जनाब आप तो माशाल्लाह बेहतरीन रफ्तार से चल रहे हैं, सफर जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन वो देखिए कितना सुस्त चाल चल रहे हैं, जरा उनको ख्याल रखना चाहिए कि जल्दी जल्दी चले ताकि रास्ता और ये रास्ते की सोहबतें जल्दी खत्म हो जाए। तो जनाब शेख भाई जवाब देते हैं कि देखिए चूंकि मेरा इल्म बहुत मुख्तसर है, लिहाजा इस सवारी के ऊपर इतना बोझ नहीं है, लिहाजा जल्दी जल्दी सफर कर रही है। उनका इल्म इतना ज्यादा है कि सवारी उस इल्म के बोझ तले दबी हुई है, लिहाजा धीरे धीरे सफर कर रही है। बिल्कुल समझ में आ गया कि इनके अंदर हसद जलन ये आए। अब किसके पास, मुकद्दस अर्दबेली की बात कि जरा इनका भी जायजा लिया जाए। क्या देखिए जनाब आप तो माशाल्लाह बेहतरीन संजीदगी के साथ सफर कर रहे हैं, मतानत के साथ, लेकिन उनको देखिए शेख बहाई
कितनी तेज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको आपके साथ चलना चाहिए, मुशायरत करनी चाहिए। तो इन्होंने जवाब दिया, देखिए जनाब, क्योंकि मेरा इल्म इतना कम है कि जिसकी वजह से मेरी सवारी काफी रंजीदा और गमगीन, इस वजह से धीरे धीरे सफर कर रही है। शेर बहाएगा इल्म इतना ज्यादा है कि सवारी बहुत खुश है, वो बाद निशात होकर सफर कर रही है, इस वजह से आगे है। अब इसे समझ में आ गया कि हकीकी आलिम किसे कहता, जो अन्नदर इलल आलिम इबादा। तो चार चीजें हो गई, एक कुरान की तरफ देखना इबादत, बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत, खाना काबा की तरफ देखना इबादत, आलिम के चेहरे की तरफ देखना इबादत। लेकिन अज़ीज़ान-ए-गिरामी, अगर इंसान एक तरफ देख रहा है मसलन काबे की तरफ, तो बाकी तीन इबादतों से महरूम है, है कि नहीं? कुरान की तरफ निगाह कर रहा है तो बाकी तीन इबादतों से महरूम है, अगर कुरान की तरफ देख रहा है तो बाकी तीन इबादतों से महरूम है, अगर बाप की तरफ देख रहा है तो बाकी तीन इबादतों से महरूम है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक की तरफ निगाह करे तो बाकी तीन इबादतों से महरूम हो जाएगा। क्या खुदा ने कोई ऐसी जात बनाई है कि अगर उसकी तरफ नजर किया जाए तो काबे का भी सवाब मिले, आलिम का भी सवाब मिले, बाप का भी सवाब मिले, कुरान का भी सवाब मिले? कल दुनिया चेहरे अली की तरफ देख कर इबादत हासिल कर रही थी, इबादत कर रही थी, आज दुनिया सीरत अली की तरफ देख कर इबादत कर रही है। यह है कुरान, कुरान नाज़िल हुआ कल के पहले। अजीज आने ग्रामीण, ये जो महीना है माह रमजान मुबारक, इसके सिलसिले में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नास कद अंबला इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकते व रहमत व मगफिरा। ए लोगों, तुम्हारे जानिब माह मुबारक रमजान आया है। देखिए, हम किसी शरफ फजीलत को दर करने के लिए अपने मकान को छोड़ते हैं और उस शरफ मंजिलत को दर करने के लिए वहां तक अपने जिस्म को पहुंचाते हैं, है कि खाना काबा के तवाफ की शरफ को दर करने के लिए हमको अपने घर से निकलना पड़ेगा और अपने को खाना काबा तक पहुंचाना पड़ेगा। ज़ारत के शरफ से शर्फियाब होने के लिए अपने घर को वतन को छोड़ना पड़ेगा और उस जगह पर जाकर ज़ारत करना पड़ेगी, तब ज़ारत के शरफ से हम शर्फियाब होंगे। तो अज़ीज़ाने ग्रामी, हम घर से निकलते हैं अपने जिस्म को उस जगह तक पहुंचाते हैं ताकि उसका शरफ हासिल करें। ये माह मुबारक, माह मुबारक रमजान, ये जो इंसान की तरफ आ रहा है, इंसान को जहमत नहीं है कि वो घर से निकले, बल्कि माह मुबारक रमजान उसकी जानिब आ रहा है। माह मुबारक रमजान की शरफ और फजीलत को इंसान खुद दर कर सके। कद अगबला इलैकुम शहरुल्लाह, ऐ लोगों, तुम्हारी तरफ माह मुबारक रमजान आया है। अब अजीजों, पैगंबर इस्लाम ने कहा शहरुल्लाह, देखिए हर शय की अजमत उसकी निस्बत से हुआ करती है, हर शय की अजमत उसकी निस्बत से हुआ करती है। कुरान लायक एहतराम और ताज़ीम है, क्यों? क्योंकि वो है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। खाना काबा का तबाह किया जाता है, क्यों? क्योंकि है वो बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। पैगंबर वाजिब इताअत है, क्यों? क्योंकि है रसूल अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन वाजिब इताअत, क्यों? क्योंकि वलीउल्लाह। ऐसे ही माह मुबारक रमजान के काबिल एहतराम, क्यों? क्योंकि शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। कद अक्बला इलैकुम शहरुल्लाह, अब देखिए कोई भी मेहमान इंसान के घर आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, अफराद के हिसाब से तोहफे और तहाइफ लेकर आता है,
हमारे यहाँ मामूल और दस्तूर ये है कि किसी के घर जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, बल्कि कुछ ले कर जाओ। ऐसे ही माह मुबारक रमजान भी आया है, क्या खाली हाथ आया है? नहीं, पैगंबर फरमा रहे हैं बिल बरकते वल रहमते वल मगफरा। ये जो माह मुबारक रमजान आया है बरकत के साथ आया है, रहमत के साथ आया है, मगफरत के साथ। इसमें कुरान का पढ़ना बेहद सवाल है। मन तला आयतन मिनल कुरान कान लहु मिस्लु अजर मन खतमा कुरान फी गैरही मिन शुहूर। जिसने भी इस माह मुबारक रमजान में एक आयत की तलावत की उसको उतना ही सवाब दिया जाएगा कि जिसने किसी दूसरे महीने में पूरा कुरान खत्म कर दिया, यानी किसी और महीने में पूरा कुरान पढ़ने का जो सवाब है वो माह मुबारक रमजान में एक आयत पढ़ने का सवाब। सुभान अल्लाह। किसने फरमाया? रसूल सादिक ने। अब इंसान कहेंगे मौलाना हम कुरान नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम इंसान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो पढ़ सकता है, कम से कम इंसान सूरह अलहम की तिलावत तो कर सकता है, कम से कम इंसान सूरह तौहीद की तिलावत तो कर सकता है। जिसने सूरह तौहीद की एक मर्तबा तिलावत की गोया के एक सुल्स कुरान खत्म कर लिया। हमारे यहाँ कहा जाता है तीन बार सूरह तौहीद की तिलावत, तीन बार पढ़ने का कंसेप्ट यह है कि आप तीन मर्तबा सूरह तौहीद पढ़िएगा गोया कि पूरा कुरान आपने पढ़ के बख्श किया। इसीलिए तीन मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत की जाती है। बहरहाल तो कुरान के पढ़ने का यह सबब कद अकबला इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकते व रहमत व मगफरा, मगफरत के साथ आया है। दुईदुकुम इला ज़ियाफतिल्लाह, तुमको ज़ियाफत परवरदिगार की तरफ बुलाया गया है। क्या मतलब? यानी तुमको मेहमान बुलाया गया है और इस मेहमानी का जो मेजबान है वो खुदा बंदे आला। हम अगर इस दुनियावी हैसियत से अगर कोई इंसान हमें बुलाए, मसलन कोई मिनिस्टर है, कोई साहिब मनसब होता है, अगर वो हमको बुलाता है तो हम कम से कम शाया निशान लिबास पहनकर उसके जलसे में उसकी नशीस में उससे मुलाकात करने के लिए जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा कोई दुनियावी होता मतलब वाला हमको बुलाता है तो हम उन कपड़ों में नहीं जाएंगे कि जो रोजमर्रा के लिबास या घर में जो हम कपड़े पहना करते हैं, नहीं, कम से कम उस जलसे के शायद शाम जो लिबास होगा वो हम पहनकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस महीने में किसी दुनियावी उहदेदार मनसब वाले ने हमको नहीं बुलाया, बल्कि उसने बुलाया है कि दुनिया के बादशाह उसके गुलाम, उसकी उस साथ ने मेहमानी के लिए बुलाया है। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम हमारा जाहिर बातिन ऐसा होना चाहिए, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि कम से कम गुनाहों के दम पे हमारे दामने किरदार बना और हम इस्तग़फार के जरिए से माह मुबारक रमजान में अपने को पछवा लें। अज़ीज़ाने ग्रामीण, पैगंबर फरमाते हैं कि अनफासुकुम फीह तस्बीह, तुम्हारी सांस लेना भी इसमें इबादत है। तवज्जो कर लेना, बस बात खत्म कर रहा हूं, मौका महर भी नहीं है, रात काफी हो चुकी है, लिहाजा बस आखिरी कलाम। अनफासुकुम फीह तस्बीह, तुम्हारी सांस लेना भी इबादत है। व नौमकुम फीह इबादा, तुम्हारा सो जाना भी इसके अंदर इबादत है। तुम्हारा सो जाना भी इसके अंदर इबादत है। وہ خداوند عالم کے نزدیک با فضیلت ترین مدینہ ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالی حد الیالی، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کے دن تمام دنوں سے افضل، وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کی گھڑیاں اور لمحات تمام گھڑیاں اور لمحات سے افضل۔ یہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ عزیزان گرامی، بس
लिहाजा माह मुबारक रमजान में हमें उन बातों की तरफ मुतवज्जे रहना है कि ऐसा ना हो कि हम दिन भर रोजा रखें लेकिन हमारा रोजा रोजा ना हो, कभी जबान से हमने रोजा खराब कर लिया हो, कभी हमने आंखों से रोजा खराब कर लिया हो। हमको रोजा बरकरार रखना है। रोजा सिर्फ सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स को मुकम्मल कंट्रोल में ले जाने का नाम रोजा। अपने नफ्स पर मुकम्मल कंट्रोल कर लीजिए, यही रोजा है और यही इंसान है। बस अजीजान ग्रामीण, इसी कुरान की, इसी इस्लाम की हिफाजत किसने की? इमाम मज़लूम करबला ने। माह मुबारक रमजान में हम तशनगी का एहसास दर्ज होला कर सकते हैं। जब दिन में किसी वक्त प्यास लगती है तो इंसान करबला वालों की प्यास का अंदाजा लगाए। वैसे वो याम नहीं है कि इंसान को ज्यादा प्यास लग रही हो, लेकिन तो यही माह मुबारक रमजान गर्मियों में पड़ा करता था, तो इंसान जरा एहसास करे कितना प्यास लगा करती। लेकिन कम से कम इंसान को यह ख्याल तो है यदि अफ्तार होगा पानी नसीब होगा। लेकिन करबला के बच्चों को नहीं मालूम शहादत इमाम हुसैन के पास तक भी उनको पानी मयसर होगा कि नहीं। इमाम मजलूम करबला को प्यास का बड़ा एहसास था, इसी वजह से जब वक्त आखिर इमाम सज्जाद के सराहने पहुंचे तो एक जवाब आपने दिया और कहा, बेटा जब तुम मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, बल्ले अन्नी अशियती अन सलाम, कि मेरे तरफ से शियों को मेरा सलाम कह देना। फकुल लहुम, और उनसे कहना, इन्ना अभी कुतेला अतशाना, कि मेरे पापा को प्यासा जिहा कर दिया गया है, मेरे शियों को पैगाम देना। एक शेर जो आपसे मंसूब है, शियाती मेहमान शरतु मा अस्मिन फस्करुनी, ओ समय तुम बेगरी दिन ओ शहीद दिन फंद बोनी, ऐशियो जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, जब भी किसी शहीद गरीब का तस्किरा सुना तो मेरे ऊपर आंसू बहा लेना। लैत कुंफिहो मा आशुरा जमीअन तंजुरुनी, कैफात सस्कील तिफलिन फहादा यरहमुनी, ऐशियो अगर तुम करबला के मैदान में हो तो तुम देखते मैं किस तरह से अपने छह महीने के लाल अजहर के लिए पानी मांग रहा था और उन्होंने रहम करने से इनकार कर दिया। अजर अल्लाह, जब हमारा चौथा इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुर्बत बना चुका, जब तुर्बत बन गई तो इमाम बैठे और बैठ के उंगली को कुछ लिखना शुरू किया। रावी कहता इमाम ने लिखा, हादा कब्र हुसैन अल्लज़ी कुतला तशाना, ये हुसैन की कब्र है कि जिसे प्यासा शहीद कर दिया गया। आज रकम अल्लाह बताते हुए रिवायत पेश करता हूँ, जब जूता हुआ कर जमा खाना में पहुंचा है तो बीबिया ने हल्का कर लिया, नहा कर लिया कर लगी, तीन बरस की बच्ची आगे बढ़ी रोने की गर्दन में बाहर आ गई और एक सवाल किया, या जवान है मेरे बाबा के घोड़े, बस इतना बता दे सोकरा भी हम कुतला तशाना, मेरे बाबा को वक्त आखिर पानी मिला या प्यासा शहीद कर दिया। अरे घोड़े में जबान बेजबानी से घरा, अरे बीबी क्या बताओ वक्त आखिर जब मैं चला था शिक्र का खुद खंजर था इमाम का सूखा कब्र। سيارة
ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعلیم فرما سب ان کے عوام مزید تمام السلام علیکم.